हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विस। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कॉन्टेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हिट्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, 8142877400। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में सालाना नुमाइश का सिलसिला जारी है। यहां पर कोरोना वबा की रोकथाम के बाद नुमाइश का आगाज अमल में लाया, जिसके बाद आवाम का हुजूम यहां पर देखा जा रहा। ताहम ताजरों का कहना है कि इस बार आवाम की जानिब से खरीदारी में दिलचस्पी नहीं देखी जा रही। इसके अलावा कई ताजरों और आवाम ने इस मौके पर KBN न्यूज से बात करते हुए तफसीलात भी बताई। आइए देखते हैं उनका इस जिमन में क्या कहना है। बांधने की दुकान है अपनी एग्जीबिशन नुमाइश सोसाइटी के अंदर नामपल्ली हैदराबाद। पब्लिक तो है नहीं, सैटरडे संडे है, लेकिन धंधा कुछ खास है नहीं। जो भी है अभी कस्टमर आ रहा है, लेकिन उतना धंधा तो है नहीं। तो नुमाइश वालों से इतनी गुजारिश है हैदराबाद की कि पब्लिक जितने जल्दी आए अच्छी आए और धंधा अच्छे से अच्छा हो, बस और कुछ तो है नहीं। आप कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात से हम। राजस्थानी बांधने की आइटम है अपनी, ड्रेस मटेरियल, साड़ी, सूट्स वगैरह सब रहेगा अपने को मटेरियल वाइज। आइए, हमारे लॉकडाउन से पहले सेल होती थी, इतनी सेल हो रही है आपने? लॉकडाउन से पहले अच्छा था, अभी कुछ भी नहीं है। 3 साल से पूरा बैठा हुआ है। कितने साल से लगाते साहब आप शॉप? 20 साल से लगा रहे हैं अपने, बांधने की स्टॉल है, 20 साल से लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली है। मैं जो है ना करीब 15 साल से जींसों का स्टॉल लगाता हूँ। हर साल पब्लिक बहुत आती है, लेकिन इस साल जो है ना लॉकडाउन की वजह से जो है ना जनवरी में एग्जीबिशन नहीं लग सकी। तो अभी जो है ना मार्च में एग्जीबिशन शुरू करते हैं, लेकिन क्राउड जो है ना जैसा हमको जनवरी में आता होता नहीं आ रहा, क्राउड आ रहा है लेकिन जैसा जनवरी में आता था उसका 60% 70% क्राउड आ रहा है। बहुत सारे लोगों का अवेयरनेस है कि एग्जीबिशन लगी या नहीं लगी, इसकी वजह से पब्लिक आ नहीं रही है। और एक चीज़ मैं कस्टमर को जो है ना आने वाले कस्टमर को मैसेज देना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना इंटरनेट स्लो कर रहा है, जितने भी लोग आ रहे हैं ना तो कैश ले लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो रहा है। यहाँ जी हम कश्मीर से, यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है ड्राई फ्रूट्स का, कश्मीर से आए हुए। तो लॉकडाउन से पहले जो एग्जीबिशन एक्चुअली लगता था जनवरी में, वो बहुत अच्छा रहता था। अभी उतना पब्लिक नहीं है, तो हमारा पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि वो एग्जीबिशन आए, जितने भी यहाँ पे स्टॉल लगे उनसे शॉपिंग करें, वो सबका कारोबार हो जाए अच्छे से। बाकी हमारे पास एकदम प्योर एंड नेचुरल ड्राई फ्रूट्स है, क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स। आप कितने ईयर से लगाते इधर शॉप? ये हमारा ड्राई फ्रूट का स्टॉल 4-5 साल से लगा है यहाँ पर। जितना लॉकडाउन से पहले सेल होती थी उतनी सेल है आपके पास अभी? अभी वैसा नहीं है जितना लॉकडाउन से पहले होता था, वो अच्छा रहता था जनवरी में। अभी गर्मी भी बहुत है तो कस्टमर्स बहुत कम है, फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है, लेकिन उतना नहीं है, जनवरी से कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, नमस्ते, मेरा नाम है DLH है, रेणुका टेक्सटाइल है। मैं इसमें जो है ना 20 साल से लगा रहा हूँ। ये जो है ना कोरोना वजह से 2 साल नहीं लगाया, फिर ईयर का भी क्लोज होकर फिर ऑन हुआ, मगर अभी तो ठीक है एग्जीबिशन में। मेरा कोटी पे भी शोरूम है इसी का, ये कंटिन्यू काम चलता रहता है मेरा। ये क्या सैटरडे संडे पब्लिक आ रहा, बाकी दिनों में बहुत कम पब्लिक आ रही इसमें।
तो उसमें थोड़ा जितने हर साल हम जितने काम करते हैं उससे थोड़ा पीछे जा रहा है। कितने ईयर से लगाते हुए आप इधर? 20 साल से लगा हुआ। जितने लॉकडाउन से पहले जितनी पब्लिक आती थी और जितना सेल होता था अब उतना है सर? उतना सेल नहीं है, ओनली सैटरडे संडे और सेल, बाकी के दिनों में थोड़ा ठंडा ठंडा हो जाता है। अगर ये एग्जीबिशन जनरल में लगे तो कोई किसी को तकलीफ नहीं होती। ये क्या गर्मियों में पब्लिक बाहर ज़्यादा नहीं निकल रही, तो शाम के टाइम में आ रहे हैं बच्चों के एग्जाम हो ये सब ऐसा हो रहा, फिर भी अल्लाह के शुक्र है सब अभी चल रहा है। हर किसी का तो पब्लिक आ रही है, अच्छी चाहे अभी अच्छा चल रहा। मेरा क्या पूरे खादी कुर्ता पैजामा, खादी शर्ट कुर्ता पैजामा बच्चों के बड़ों के, आप लोगों भी अच्छा एडवर्टाइजमेंट दीजिए, हमारा दुकान पे आइए, अच्छा पब्लिक को आने के लिए इंकरेज करो, इंकरेज करें तो हमारा भी कुछ सहूलत हो जाएगा। अच्छी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ। हम यहाँ नामपल्ली एग्जीबिशन में पिछले 20 साल से स्टॉल लगा रहे हैं। अभी लॉकडाउन के बाद मुझे यही महसूस हो रहा है कि बिज़नेस यहाँ पे कम हो रही है और काम भी कुछ नहीं है, हमारा लॉस हो रहा है यहाँ पे। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कुछ पब्लिक ही नहीं है, मुश्किलन यहाँ पे हमारा बोनी हो रही है। आप कितने ईयर से लगाते हैं भाई? 20 साल से लगा रहे हैं। जितनी लॉकडाउन से पहले सेल होती उतनी सेल हो रही है? जितनी लॉकडाउन से पहले सेल होती थी मुझे लगता है उससे 50 गुना हमारा नुकसान हो रहा है। तो आप क्या बोलना चाहते हो? हम यहाँ के लोग से बोलना चाहते हैं आप आइए हमारा शॉप देख लीजिए, यहाँ एग्जीबिशन में आइए, कुछ खरीदिए अच्छा सा कुछ, हम जाके हम भी कुछ कमाएंगे। कहाँ के रहने वाले आप? हम श्रीनगर कश्मीर के रहने वाले। लास्ट 3 ईयर्स ऑनवर्ड्स आई एम रनिंग दिस काइंड ऑफ शॉप इन एग्जीबिशन नुमाइश में। थोड़ा सा पब्लिक कम आ रहा है, हर संडे पब्लिक तो थोड़ा सा दिख रहा है, सैटरडे संडे पे हॉलीडेज में थोड़ा सा दिख रहा है। कंपेयर टू द अर्लियर ईयर, अर्लियर पब्लिक तो ज़्यादा कम। आप कहाँ के रहने वाले भाई? अमीरपेट में। आप कितने ईयर से लगाते इधर शॉप? 3 साल। 3 साल से। जितना लॉकडाउन से पहले सेल होती उतनी सेल है आपके पास अभी? ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है, हमारे शॉप में ज्यादा नहीं है, सेल तो नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है, लास्ट में चल रहा है। जो 15 मोर देन 20 डेज हो गए ना अभी, तो लास्ट में चल रहा है, सेल्स भी नहीं है। मेरा नाम समीर है, हम डार इंटरप्राइज के नाम से हम हर साल यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं। हम जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की साड़ीज रहती है, कश्मीर सिल्क का, लद्दाख सिल्क और हिमाचल सिल्क का रहता है। हर साल हम यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं और अच्छी हम कारोबार करते थे, लेकिन इस बार कोविड की वजह से एग्जीबिशन थोड़ा गलत टाइम पर लग गया, दूसरे महीने में लग गया, जिसकी वजह से उतनी सेल्स नहीं है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह हम काम कर रहे हैं, कोशिश करें पब्लिक और आए यहाँ पे और हम अच्छा सेल करें यहाँ पे। जितनी लॉकडाउन से पहले सेल होती थी उतनी सेल है अभी आपका? थोड़ा फर्क डिफरेंस है, क्योंकि उस टाइम जनवरी में लगता मौसम भी ठीक रहता, अभी गर्मी भी है जिसकी वजह से लोगों का आना जाना थोड़ा कम है, फर्क रहता है सेल में, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पुराने शहर हैदराबाद में नामपल्ली में एग्जीबिशन काफ़ी जोर और काफ़ी माशाल्लाह अच्छी तरीके से एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है, काफ़ी पब्लिक तादाद में आई है। अल्हम्दुलिल्लाह कोविड-19 की तरफ से अपन लोग एग्जीबिशन नहीं कर पाए, इंशाल्लाह अब एग्जीबिशन माशाल्लाह अच्छी तरीके से चल रहा है। और आवाम से गुजारिश है कि अपने चेहरे पर मास्क लगा के आए, क्योंकि कोविड-19 अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, अपन को कोविड-19 से लड़ना है। अभी इंशाल्लाह ताला अपने केसीआर साहब इनसे इससे ज़्यादा कुछ अच्छी चीज़ लाएंगे अपने हैदराबाद में और अपनी शहर के लिए। कोविड-19 के मास्क जो लगाते आवाम में लगाइए प्लीज़, मास्क लगा के आवाम में पीलिए। देखो किसी को कोविड-19 है या नहीं ये पता तो नहीं चलता अपन लोग को कि कोविड-19 का ऐसी डेंजर बीमारी है, इंसान को ख़त्म हो सकता है। इंशाल्लाह आप लोग से गुजारिश है कि आवाम से मास्क लगा के पीलिए और अपने सामान की हिफाजत कीजिए, आप अपने सामान की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है, यहाँ पुलिस आपको देखभाल ही करेगी, बस सामान की कोई जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आप अपने वॉलेट्स का, मोबाइल फ़ोन का आप हिफाजत करिए, इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हैदराबाद मैं तो अभी 30 ईयर से आ रहा हूँ, हम लोग तो सब नुमाइश बोलते हैं, यहाँ पे तो इसको 4 गेटा हैं,
बहुत पसंदीदार बोलता हूँ नुमाइश। हैदराबाद वाले सब लोग नुमाइश को आना, नुमाइश देखना है। ये कोविड के वजह से दो साल से तो हुआ नहीं, अब ये बार देखें तो भीड़ ऐसी है, सब लोग नुमाइश का मजा ले रहे हैं सब लोग आके। और नुमाइश में ना कश्मीर से, पाकिस्तान से, हर जगह से आके हैंडीक्राफ्ट के बेचते रहते हैं। और नुमाइश में ना हर चीज़ का जो वर्ल्ड में या इंडिया में किधर भी जो भी सामान दिखता है ना, जो भी इधर सब दिखता है। जर्मन 10 हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मन 10 ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। माहिर इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की टीम पर मुश्तमिल गुज़िश्ता कई सालों से कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट फील्ड में नुमाया खिदमात अंजाम दे रहा है। रिहायशी अपार्टमेंट, मकानात, कमर्शियल बिल्डिंग, ऑफिस, इंटीरियर्स, आपकी हर जरूरत को करे पूरा। इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग और प्लानिंग, मियारी मटीरियल आपके बजट में। डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। घर बनवाना हो या खरीदना हो या फिर बेचना, आपके बजट में आपके पसंदीदा मुकाम पर हम कराएंगे दस्तियाब। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करिए 9849-363-888, 9390-55-8802, 8686-78-1110, 8919-72-3020। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact: 9849363888 and 8686783110. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा ताज़ा अपडेट मिलती रहे।